प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकास की इन आधारभूत संरचनाओं से स्थानीय युवाओं को पढ़ाई और कमाई के लिए अवसर उपलब्ध होगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा केंद्र सरकार व्यापार सुगमता को बढ़ाने के लिए है प्रतिबद्ध। बिहार विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज आखिरी दिन, जहरीली शराब से हुई मौत मामले में विपक्ष का प्रदर्शन जारी। नगर पालिका आम निर्वाचन के प्रथम चरण का मतदान कल संपन्न हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने यह जानकारी देते हुए बताया कि 59.62% मतदान हुआ। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए सभी जरूरी उपाय किए गए, साथ ही निष्पक्ष मतदान के लिए तकनीकी का भी प्रयोग किया गया। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण में 53 वार्ड पार्षद निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 5 जनवरी से होगी शुरू। पहले यह यात्रा 28 दिसंबर से शुरू होनी थी। बिहार सरकार ने राजेंद्र सिंह भट्टी को प्रदेश का नया पुलिस महानिदेशक बनाया है। वर्तमान डीजीपी एसके सिंघल का कार्यकाल आज समाप्त हो रहा है। प्रदेश में 6 और 7 मार्च को होगी G20 की बैठक। कला संस्कृति सचिव वंदना देसी ने कहा सदस्य देशों के 250 विदेशी मेहमान बिहार की संस्कृति से होंगे अवगत। बांका में द्वादश ज्योतिर्लिंगम दर्शन मेले का हो रहा है आयोजन। मेले में दूर दराज से दर्शन करने को आ रहे हैं श्रद्धालु। प्रदेश में आगामी 2 दिनों में तापमान वायुयान और रेल सेवाओं पर होगा सीधा असर।